69वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ की कबड्डी टीम हरियाणा रवाना हो चुकी है। उससे पहले सभी चयनित पुरुष कबड्डी खिलाड़ियों को कबड्डी किट और ट्रैक सूट वितरण किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए ओमकार जायसवाल ने बताया कि 69वीं सीनियर पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन 21 से 24 जुलाई तक हरियाणा के चखरी दादरी में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने 12 खिलाड़ी सहित कोच और मैनेजर हरियाणा रवाना हुए। खिलाड़ियों के चयन में कबड्डी खिलाड़ियों का 10 दिवसीय कबड्डी प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया था। तो भारतीय कबड्डी संघ द्वारा 69वीं नेशनल का आयोजन किया जा रहा है हरियाणा कबड्डी संघ के द्वारा चरखी दादरी, जो 21 जुलाई से 24 जुलाई तक आयोजित है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की सीनियर पुलिस भर्ती टीम है, जिसका कैंप 10 तारीख को लगा हुआ है। जिनमें जीवन सैनिक खिलाड़ी हैं, तो भाग कबड्डी के खेल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए। कबड्डी बहुत प्राचीन खेल है, जो ग्रामीण खेल है, हर किसी को पता है। कबड्डी जब से आया है, एक एक व्यक्ति को इसके एक एक नियम और नॉलेज की जानकारी हो आज के डेट में, तो भी थोड़ा सा बताना चाहिए। यह है कि इसमें ऐसा खेल है कि कबड्डी तो जानते हैं लगभग सभी, लेकिन नियमों को नहीं जानते, तो थोड़ा बहुत नियम को लेकर कुछ बताएंगे। नियम वैसी है कि एक साथ जाने के जो खेलते हैं और आउट, तो ऐसा है कि सभी गेम जो होते हैं ना, वो सांस रोक छोड़ के खेले जाते हैं। कबड्डी एकमात्र ऐसा खेल है जो सांस रोक के खेले जाते हैं। और कुछ जो टीम जो होती है, कितने देर में अपना जगह स्थान रहता है? वो 30 सेकंड का रहता है, रेड लीडर को 30 सेकंड में रेड करना रहता है। और सीनियर जो मतलब अपना अलग कैटेगरी का होता है, वेट जो एक था, इसमें 30 मतलब 20 बाई 20 40 मिनट का टोटल मैच होता है। तो 20 में एक हाफ पाले में 20 दूसरे पाले में चेंज करते हैं हाफ टाइम में। मैं कबड्डी 5-6 साल हो गया। मेरे को 8 साल हो गए। और नेशनल कितने बार खेले हैं आप? ये मेरा पहला सीनियर नेशनल। इसके पहले दो नेशनल और कहाँ खेले? दो पहला खेला मैं रोहर आएगा महाराष्ट्र का, और दूसरा जयपुर, तीसरा है। हमारा ये सिद्धांत है कि वहाँ हम लोग कम से कम सेमीफाइनल तक कम से कम मेडल लगे, इतना सिद्धांत है। क्या कहना है आपका इनके जोश, इनके इनके प्रतिभा को देखकर क्या कहना है आपका? वो तो खेल बहुत अच्छा है इन लोगों का, और वहाँ जाके खेल डिपेंड करता है। सामने वाली टीम भी बहुत अच्छी अच्छी टीम है, क्योंकि वहाँ जो टीमें रहेंगी वो लगभग 7 से 8 प्लेयर प्रो कबड्डी के खिलाड़ी रहते हैं। उनका प्रैक्टिस, उनका हर चीज़, उनका मतलब कि थोड़ा सा वो लोग हाई वो है, बाकी इन लोग के खेल में कोई वो नहीं होता। इसी प्रकार बहुत अच्छा खेलते हैं ये लोग, सब अलग अलग टीम में सबसे मतलब चुनिंदा प्लेयर हैं। जब भी ये बिलासपुर में सेलेक्ट होकर यहाँ पे खेल रहे हैं, बहुत अच्छी टीम है हमारी। और खेलो इंडिया भी गए थे पिछले इसी सत्र में, तो ब्रॉन्ज मेडल मार के आए हैं ये लोग। हाँ, तो लेकिन एक चीज़ बस मेरे को थोड़ा सा, ये अपने छत्तीसगढ़ के कोई भी देखता हो तो ऐसा इनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलना चाहिए किसी भी चीज़ में, चाहे पढ़ाई के स्तर में हो या फिर किसी जॉब में जा रहे हों, तो इनको एक अलग नज़रिए से देखा जाए। नेशनल कैटेगरी के प्लेयर हैं ये लोग, और इतने इतने नेशनल खेले हैं, ब्रॉन्ज मेडल मार के खेलो इंडिया जैसे गेम में, मतलब हरियाणा टीम और पंजाब की टीम के बीच से ब्रॉन्ज मेडल मार के लाना है। तो मैं चाहता हूँ कि इनको अलग नज़रिए से देख के थोड़ा इनको मतलब रोजी रोटी के लिए भी इनका कुछ सहारा बने, ये मैं चाहता हूँ। जैसा कि पांडे जी ने बताया, हमारे कबड्डी के खिलाड़ियों को एक विशेष पहचान दी जाए, उनको एक विशेष दर्जा दिया जाए, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे रोज़गार के क्षेत्र में।